हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, आई एम योर स्पार्क स्टेनोग्राफर। हमने आपके साथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को डिस्कस किया, बट टुडे वी आर कवरिंग पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इजी टॉपिक है अगर आप इसे सीरियसली पढ़ते हैं तो, और इंटरेस्टिंग भी। इसमें आपके कंटेंट्स भी कम हैं और इसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं। जैसे आपके पीछे के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं हार्डली 1-2 ईच। ठीक है, हम सभी एटलीस्ट पॉलिटी से तो फैमिलियर होते ही हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लोकसभा, पार्लियामेंट, ठीक है, इन सब के बारे में तो हमें पता ही होता है। बस थोड़ी डिटेल्स और पढ़नी है ताकि एग्ज़ाम्स में भी आप इसमें स्कोर कर सकें। ठीक है, और पॉलिटी में क्या होता है कि मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं वही आपके रिपीट होते रहते हैं। आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि ज़्यादातर यही पूछा है कि प्रेसिडेंट के बारे में बताओ, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्ट्स, शेड्यूल्स, पार्लियामेंट एक्सेट्रा। गाइस, ये बहुत ही सीरियसली इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लॉजिकली भी। हमें इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता क्योंकि एसएससी मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, तो हमें इससे क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर देख लीजिए, मेन टॉपिक्स कवर कर लीजिए। तो आइए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे आपके फर्स्ट है फार्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, सिटीजनशिप, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, लोकसभा, राज्यसभा, बिल्स, प्राइम मिनिस्टर, एमरजेंसी ऑफ इंडिया, गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत्स, कमीशंस, पार्लियामेंट्री फंड्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल 370, रिट्स। तो ये जो टॉपिक्स थे ये आपके मेन टॉपिक्स हो गए। तो अब इन टॉपिक्स में से भी आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में आता है। जैसे फर्स्ट है आपका फार्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कौन इसे लाया, कितने मेंबर्स थे उस टाइम, कितने आर्टिकल्स थे, कितनी कमेटीज थी, कौन सी कमेटी थी। तो ठीक है, ये इसमें आपके मेन क्वेश्चंस ऐसे कवर हो जाते हैं। नाउ सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिया हमने, यूनाइटेड स्टेट्स से, फेडरल जुडिशन हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसी तरह से आपको सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू नो हाउ मेनी पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए कितने पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स हैं, 5 अपेंडिसेस हैं एंड 98 अमेंडमेंट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टार्टिंग। ठीक है गाइस, तो आपको हमारे सारे पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आता है आपका सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पर्सन एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल कवर करता है प्रेसिडेंट, पार्टिसिपेंट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सिमिलरली अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, आप ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैप्टोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में आप कवर कर लीजिए, ठीक है। नाउ लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें आपके मेंबर्स पूछ लेते हैं, टाइम पीरियड, एज, हाउ टू इलेक्ट, ये सब आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ जैसे बिल्स, सेशंस, ज़ीरो आर, मोस्टली पूछे ज़्यादा ज़ीरो आर के बारे में, आपके सेशंस कितने हैं, बिल कौन पास कराता है, जैसे आपका बिल मनी बिल है वो कहाँ पे पास होता है, लोकसभा में, अगर राज्यसभा में जाएंगे तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, कब वो उसका रिप्लाई करता है, ठीक है गाइस। तो आप ये सब इसमें कवर कर लीजिए। नाउ इन एमरजेंसी ऑफ इंडिया, इसमें आपका है जैसे द वर्ड आर्म्ड रेबेलियन एडेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आपका वर्ड है आर्म्ड रेबेलियन, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, एंड हाउ मैनी टाइम्स फाइनेंशियल एमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया, कितनी बार आपकी लग चुकी है एमरजेंसी। आर्टिकल्स रिलेटेड पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन से आर्टिकल में है आपकी एमरजेंसी इंडिया। टाइप्स ऑफ एमरजेंसी पूछी जाती है आपसे, जैसे तीन टाइप्स की आपकी एमरजेंसी है, ये आपकी कब आई, क्यों आई, कितने टाइम पीरियड के लिए थी, ठीक है, तो ये आप कवर कर लीजिए। नाउ कम टू पंचायत्स, इसमें आपसे पूछते हैं कि विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, कौन सी कमेटी इसको लाई थी, हाउ मैनी आर्टिकल्स, पर्पस ऑफ इट, पंचायती राज सिस्टम का पर्पस पता होना चाहिए आपको, कौन से आर्टिकल में आता है। नाउ नेक्स्ट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की पावर्स पता होने चाहिए, उनकी सैलरी पूछी जाती है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 370 जो कि बहुत अभी करंट में था जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तो आप उसे कवर कर लीजिए। रिट्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, जैसे ह्यूमन रिट्स है, फंडामेंटल रिट्स, ये सब आपको पता होने चाहिए कि कौन से रिट्स क्या हमें बताता है, ठीक है गाइस। तो ये सब आप किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। नाउ कम टू द इकोनॉमिक पार्ट, इकोनॉमिक्स, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं इसमें, जैसे फॉर क्लास 10th, 11th and 12th, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंडियन इकोनॉमिक की आप इकोनॉमिक के लिए हेल्प बुक भी ले सकते हैं अगर आपको लेनी है, जैसे आपने 10th, 11th and 12th को कवर कर लेते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप अभी से कवर करते चल रहे हैं, तो आपने अगर ये तीनों बुक्स कवर कर ली, उसके बाद आप कोई भी हेल्प बुक लेकर उसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो को जितना भी आपने पढ़ा है वो आपके सारे कंटेंट्स क्लियर हो जाएं। एंड द मेन थिंग इज़ आप इकोनॉमिक को अपनी डेली लाइफ की चीज़ों से रिलेट करके याद करें, ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा हम अपने डेली इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें करते हैं, लेन आप पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, बजट, फाइनेंस, ये सब आपको इसमें पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रीवियस ईयर
आपकी किरण पब्लिकेशन बुक, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड द लास्ट थिंग, आपको लेटेस्ट इकोनॉमिक न्यूज़ ज़्यादा फोकस करनी है, न्यूज़पेपर मतलब आपको कवर करते हुए चलना है, जिससे भी आपकी रिलेटेड इकोनॉमिक न्यूज़ हैं वो सब आपको बहुत ध्यान से कवर करनी है। ठीक है, मोस्टली आपकी जो इकोनॉमिक करंट न्यूज़ हैं। सो अभी लेटेस्ट न्यूज़, करंट न्यूज़ ही आती है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटी कवर करनी है। सो गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपके डाउट्स क्लियर करके। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, सो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।